यदि लोग साथ रहें, एक दूसरे की सहायता करें तो शनि उन्हें हानि नहीं पहुंचने देता। साढ़े साथी में शनि हमारे शत्रुओं को कुछ समय के लिए प्रबल बनाता है ताकि हम आत्म मंथन कर सकें और आपसी सहयोग द्वारा समस्याओं से लड़ना सीखें। यहाँ क्यों बुलवाया है? क्योंकि इस समय आपके लिए पाताल से अधिक सुरक्षित स्थान और कोई नहीं इंद्रदेव। कष्ट कहो शने। राहु ने जो किया उसके विषय में तो आपको ज्ञात ही होगा ना इंद्रदेव। शने, मैं देवराज नहीं और देवलोक में जो भी हूं उससे मेरा क्या संबंध? संबंध है इंद्र, क्योंकि आज जो औरों के साथ हो रहा है कल तुम्हारे और मेरे साथ भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है इंद्र। चिंता का विषय होगा कर्म फलदाता के लिए और मुझे यहां बुलाकर मेरा समय नष्ट क्यों किया? समय नष्ट नहीं कर रहा हूं इंद्रदेव, देवों को नष्ट होने से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। राहु देवसुर संग्राम का कारण बन सकता है और उसे रोकना आवश्यक, और मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया कि राहु अब आप दोनों को खोजता हुआ यहाँ आएगा। सहायता करो देवराज सूर्य। देवराज सूर्य नहीं तो मुझे भेजा है मूर्ख। और हाँ, ये चीखना चिल्लाना बंद करो, मेरा आखेट अगर चिल्लाए तो मेरा क्रोध और बढ़ जाता है। मुझे छोड़ दो, मैं इंद्रदेव का निकट सहयोगी हूँ, उनका लेखाकार हूँ, मुझे छोड़ दो। इंद्रदेव, तुम्हारे पश्चात उसी की बारी है। उसके आखेट में ही वास्तविक आनंद आएगा। केवल मैं ही आपको राहु के प्रकोप से सुरक्षित कर सकता हूं। पिताश्री अब तक उदित नहीं हुए, सारी सृष्टि अंधकार में है, अब केवल शनि इस विपत्ति का निवारण कर सकता है। मुझे उसे ढूंढना होगा। यहाँ हो यमी, चंद्रदेव तुमसे भेंट करना चाहते हैं। माता, आप भी? मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। माता, क्या आप मेरे और चंद्रदेव के विवाह से सहमत हैं? कल तक आप चंद्रदेव से रुष्ट थी क्योंकि पिताश्री ने उन्हें ज्येष्ठ के स्थान पर मंत्रा नियुक्त किया, और आज आप प्रसन्न मुख से मुझसे ये कहने आई हैं कि मैं उनसे भेंट करूं। माता, आप जानते हैं ना
पिताश्री के उदित ना होने से हर ओर त्राही त्राही मच गई है और आप उन्हें समझाने के स्थान पर मेरे पास यहाँ चंद्रदेव से भेंट का प्रस्ताव लाई है। मुझे भी चंद्रदेव कुछ अधिक प्रिय नहीं है यमी। जब सूर्य देव ने यम को अनदेखा करके उन्हें अपना मंत्रा चुना था तो एक माता को पीड़ा हुई थी, परंतु मैं एक माता होने के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ और ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति का साथ दे, उसके हर निर्णय का सम्मान करे। और मैं तुम्हें भी यही समझाने आई हूं यमी। मैंने सूर्य देव के निर्णय का सम्मान किया, अब तुम्हें भी अपने होने वाले पति को प्रसन्न करना सीखना होगा। ये जो कुछ भी हुआ उसका कारण सूर्य देव नहीं शनि है, उसी की दृष्टि के कारण ये संकट उत्पन्न हुआ है यमी। माता, फिर तो आपके लिए चिंता दोहरी हो गई, क्योंकि शनि ने केवल आपके पति पर वक्र दृष्टि नहीं डाली है। क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? शनि की वक्र दृष्टि मुझ पर भी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा निर्णय था ज्येष्ठ, मेरी इच्छा से शनि ने मुझ पर अपनी दृष्टि डाली और मुझे कोई हानि नहीं पहुंची। और विश्वास है कि कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी जब तक उसका मन पवित्र है। इस प्रकरण से मैंने एक बहुत बड़ा गुण पाया है जीश, विश्वास करना। और मुझे अपने भाई पर विश्वास है। शनि पर यमी ऐसा कह ही नहीं सकती। ये सब सब उस शनि की वक्र दृष्टि करवा रही है उसे यम। परंतु अब और नहीं, शीघ्र ही ये सब समाप्त होगा और शनि कुछ नहीं कर पाएगा। आज दिन के अंतिम पहर तक शनि सूर्य देव के समक्ष घुटने टेक कर बैठा होगा। परंतु यहां क्यों? हमें किसी गुप्त स्थान पर होना चाहिए था। कभी कभी एक शत्रु से रक्षा के लिए दूसरे शत्रु के घर में रहना आवश्यक होता है इंद्रदेव। यदि सुरक्षा चाहते हो तो मुझ पर विश्वास करो। और आपसी शत्रुता भुलाकर साथ रहो।
क्या है ये शनि? ये शनि कवच है इंद्रदेव, और कुछ समय के लिए ये राहु के प्रकोप से आपकी रक्षा करेगा। परंतु शनि पुत्र, तुम कहां जाने के लिए सज्ज हो? इस समस्या का सामना करने के लिए अब राहु के मार्ग पर शनि खड़ा होगा, उसे फिर से मार्ग पर लाने के लिए। स्त्री पर वार करना नीति के विरुद्ध है, तो क्या किया जाए? राहु के मार्ग में आने का दुस्साहस किसने किया? स्त्रियों पर अत्याचार करोगे तो शनि को सामने पाओगे। शनि, स्वागत है मित्र, परंतु थोड़ा विलंब से पहुंचे। उत्सव समापन पर है। मैं तभी आता हूं जब उचित समय आता है, क्योंकि कर्मों का फल ना तो समय से पहले मिलता है और ना ही समय बीतने के पश्चात। तुम अपनी सीमा पार कर चुके हो राहु, इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी सीमा में बांधने आया हूं मैं। देवताओं की चेतना को भ्रष्ट कर तुमने जो उत्पात मचाया है, का अंत करने आया हूं मैं। सच कहते हैं सभी कि तुम बालक हो, तभी तो इतने भोले हो। यदि तुम्हें लगता है कि ये सारा प्रकरण लुप्त हुई चेतना का है, तो तुम बहुत बड़ी भूल में हो शनि। समस्याएं तो बस अभी प्रारंभ हुई हैं। We'll be right back.
मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ यमी, और तुम यहाँ शिवलिंग की आराधना कर रही हो। मेरा संदेश नहीं मिला तुम्हें? संदेश मिला, परंतु उत्तर देना उचित नहीं समझा। अति उत्तम। महासभा में सूर्य देव के सामने तुम मौन बैठी हुई थी। अब तक मुझे अनुमान नहीं था कि तुम्हारे जीवा से भी शब्द निकल सकते हैं। जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ी है वही तुम्हारा उचित स्थान है, अपने होने वाले पति की चरणों। अब से तुम आराधना करोगी तो बस इन्हीं चरणों की। मैं केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रही हूं, अन्यथा मुझे आपको पति स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं, और सोचना भी मत। सूर्य पुत्री शनि की बहन तुम्हारे चरणों में झुकेगी। सोचना तुम मत यमी कि चंद्र अपने होने वाली पत्नी या हो चुकी पत्नी को अपने शीश पर बिठाएगा। चंद्रदेव, तुम ये भूल रही हो यमी कि तुम्हारा अस्तित्व जल और चंद्र, जल को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है जो बड़े बड़े महासागर की लहरों को नियंत्रित कर सकता है। उसके लिए तुम्हें वश में रखना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छे, अपने स्थान पर मौन रहकर बैठना सीखो। स्मरण रहे यमी, स्त्री केवल लाठी होती है, जो पुरुष के हाथ में रहती है, कभी अस्त्र बनकर तो कभी सहारा बनकर। और यदि लाठी हथेलियों को कष्ट पहुंचाए तो उसे छोड़ दिया जाता है या तोड़ दिया जाता है। आज के लिए इतनी सीख पर्याप्त है। अब जाकर उसका समापन करता जो राहु ने प्रारंभ किया। करने क्या वाले आप चंद्रदेव? मन कहता है कि तुम्हें बता दे, परंतु अनुभव कहता है कि तुम्हें बताना आवश्यक नहीं। कहा था ना मैंने, लाठी पुरुष के सोच से चलती, उसे सोचने का कोई अधिकार नहीं। महत्वाकांक्षा जब सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो विनाश ले आती है। रहा तुम्हारी महत्वाकांक्षा भी सृष्टि में नाश का प्रारंभ कर रही है। चेतावनी देता हूं, मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा।